नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। मध्य प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन तैयार हो गई है। शादी में अधिकतम 250 मेहमान ही शामिल होंगे। शव यात्रा में 50 लोगों को अनुमति रहेगी। बड़े मेलों पर रोक रहेगी। ये फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में लिया। मीटिंग में ही मुख्यमंत्री ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टरों से बात की। उन्होंने चारों शहरों में प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा है। अब प्रदेश में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 7 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। तीसरी लहर का पीक 25 से 30 जनवरी के बीच में रहेगा। इस दौरान प्रदेश में हर दिन 19 से 20 हजार केस प्रतिदिन आ सकते हैं, यानी ये संख्या दूसरी लहर से लगभग 1.5 गुना होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के केस बढ़ेंगे, लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सतर्कता बरतना जरूरी है। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर मौजूद हैं। स्कूल 50% की क्षमता से चलते रहेंगे। स्कूलों को लेकर कोई नया प्रतिबंध नहीं है। अभी की तरह ही 50% की क्षमता से चलते रहते हैं। अभी की तरह ही 50% की क्षमता से चलते रहते हैं। एक बच्चे को सप्ताह में 3 दिन ही बुलाया जाएगा। पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लास लगेगी। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 594 कोरोना केस मिले हैं। एक्टिव केस बढ़ाकर 1544 हो गए हैं। संक्रमण दर 1% पर आ गई। इंदौर में एक मौत भी रिपोर्ट हुई है। जबलपुर में भी कोविड सस्पेक्टेड वार्ड में एडमिट 2 मरीजों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव थी। ACS पशुपालन JN पत्नी और बेटी समेत संक्रमित मिले हैं। वो मंगलवार को कैबिनेट बैठक में शामिल थे। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत फिर संक्रमित हो गए हैं। वो सागर में हैं। इससे पहले वो अप्रैल में भी संक्रमित हुए थे। इंदौर में 319 मरीज सामने आए हैं। भोपाल में 126 मरीज मिले हैं। प्रशासन ने 92 ही बताए हैं। दरअसल बाकी मिले पॉजिटिव मरीज दूसरे शहरों से हैं। भोपाल की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि बुधवार से बिना मास्क घूमने पर अब ₹200 फाइन लगेगा। नाइट कर्फ्यू चलता रहेगा। इंदौर में शादियों में 200 तो शव यात्रा में सिर्फ 50 लोग ही शामिल करने, कोचिंग इंस्टीट्यूट 50% क्षमता से खोलने और धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस पर अब राज्य सरकार को फैसला लेना है। यहाँ अभी 820 एक्टिव केस हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए निरंतर बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। यूट्यूब में हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। IAS, MPPSC, व्यापम सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विंध्य क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जिसने बनाया है 3000 से अधिक चयन का कीर्तिमान। यहाँ आपको मिलेगा चयनित प्रशासकों द्वारा अध्यापन, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए विशेष सुविधा, हर रविवार टेस्ट और फ्री डेमो क्लास। कोठारी इंस्टीट्यूट, अमहा हाउस, सिविल लाइंस, बोदाबाग रोड, रीवा। मोबाइल नंबर 9329249957। कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जहां परिणाम बोलते हैं।